एक बहुत बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जो उनकी इंटेरोगेशन हुई, जो लगभग 9 घंटे चली, उस इंटेरोगेशन में रिया ने कुछ ऐसी बातों का जिक्र तक नहीं किया जो पुलिस को बतानी बहुत ज़रूरी थी और उन्होंने कुछ चीज़ें छिपाई हैं। जी हाँ, एक कंपनी का जिक्र हो रहा है जो रिया, उसके भाई और सुशांत ने मिलकर बनाई थी, और उस कंपनी का जिक्र रिया ने अपने बयान में किया ही नहीं। पुलिस इसीलिए रिया को दोबारा जांच के लिए बुलाने वाली है। प्रियंका खेमानी, जो कि लीगल एडवाइज़र थी सुशांत की, वो जब पुलिस के पास गई तब उन्होंने सारी कंपनीज का जिक्र किया और पुलिस ये जानकर काफ़ी हैरान थी कि रिया ने अपने 9 घंटे की जाँच में इस कंपनी का जिक्र क्यों नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि रिया ने एक पोस्ट डाला था सुशांत के जन्मदिन पर इस साल, और उन्होंने एक हैशटैग यूज़ किया था, रियालिटी एक्स, RHEALITYX। दरअसल ये उनकी कंपनी का भी नाम था, विविड रेज रियालिटी एक्स। ये जो कंपनी है ये सुशांत ने सितंबर 2019 में बनाई थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिक्स रियलिटी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी इस जो है फील्ड में काम करने वाली थी, और सुशांत इसी चीज़ को लेकर साल 2018 में भी एक कंपनी बना चुके थे। लेकिन रिया के कहने पर उन्होंने ये कंपनी बनाई, और उससे भी बड़ी बात यह कि रिया का भाई का नाम भी इस कंपनी में शामिल है और सुशांत भी, यानी ये तीनों ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। और जो खबर पता चली है वो ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हुए भी इस कंपनी में सारा का सारा पैसा जो है सुशांत सिंह राजपूत ने लगाया है। रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने इसमें एक भी पैसा नहीं लगाया, और जब पुलिस को इस कंपनी के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस जो है अब रिया से फिर से पूछताछ करना चाहती है। पीपिंग मून की खबर के अनुसार जो है ये जो कंपनी है ये बनाई गई थी साल 2019 में, और जो है इस कंपनी के बारे में रिया ने किसी भी तरह का कोई जिक्र अपने बयान में नहीं किया। जो सुशांत का परिवार है वो उसी बात को लेकर ज़्यादा नाराज था कि तुम्हारे पास एक जो कंपनी थी तुमने सेम दूसरी कंपनी बनाई, रिया तो ठीक है लेकिन तुमने उसके भाई के नाम को भी इसमें शामिल किया है। इस बात को लेकर रिया का परिवार बहुत नाराज़ था, और इसी बात को लेकर काफ़ी इन लोगों की बहस भी होती थी। तो कहीं ना कहीं अभी एक बात सामने आई है कि रिया ने जो है अपनी पुलिस स्टेटमेंट में इस बात को छिपाया है। हो सकता है कि कुछ और चीज़ें भी आ गया है, क्योंकि मैंने आपको फिल्म विंडो पर सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि रिया की जांच जो है दोबारा होने वाली है और पुलिस जो है उनको फिर से बुलाएंगी, क्योंकि पुलिस को उनके बयान लेने के बाद के और जो बयान मिले हैं उसमें कई ऐसी बातें पता चली है जिसके क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए रिया को फिर से बुलाया जाएगा।